हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग 25 सवाल को डिस्कस करेंगे और आपको बता दें ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा अंत तक और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका यानी 25 में से कितना सही हो रहा है, आपकी तैयारी किस लेवल तक है। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या हम लोग एक देखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, यहाँ पे आपको बतलाना है कि धातु कौन है जो नहीं है। ऑप्शन में चार दिए गए हैं, कॉपर दिया गया है, आयरन दिया गया है, मरकरी दिया गया और सल्फर दिया गया है। तो इसमें से आपको चुनना है कि जो धातु नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर है जो धातु नहीं है। और ये तीनों यानी कॉपर, आयरन और मरकरी, ये तीनों क्या है, धातु है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पे हम लोग दो नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी ए एम यू में होता है कितना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी 1.00728 है या 0.0055 होता है या यानी 1.00867 होता है या 1.005 होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बतला दे जो होता है ऑप्शन नंबर यानी इसका हो जाएगा क्या, यानी बी हो जाएगा, यानी 0.00055 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ए एम यानी ए एम यू में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या हम लोग तीन देखते हैं और दिया गया है कि तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था। लोधी शासनकाल में, सैयद शासनकाल में या तुगलक या खिलजी शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो गया यानी तीन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सैयद शासनकाल में। आपको बता दें सैयद वंश का जो शासनकाल रहा वो 1414 ईस्वी से लेकर यानी 1441 ईस्वी तक। तो ये भी आप याद रखिए, इसी शासनकाल में ये यानी जो याहिया है वो तारीख़ मुबारक यानी मुबारक शाही का लेखक का यानी पता चलता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं चार और यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है, यानी कौन सी जो नदी है उसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। यमुना, रावी, गंगा या सरस्वती। तो चार का राइट आंसर आपको बतलाने हैं तो आपको बतला दें जो यमुना नदी है इस नदी के बारे में यानी ऋग्वेद में कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या हम लोग पाँच देखते हैं। दिया गया है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, यानी गांधी जी को किसने कहा था कि अर्धनग्न फकीर हैं। माउंटबेटन, हेस्टिंग्स या विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल या जिन्ना ने कहा था। तो इसका राइट आंसर बतलाना है, यानी पांच का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या हम लोग सिक्स देख लेते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था, अजातशत्रु, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो यानी सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी यानी समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यानी यज्ञ का आयोजन किया था। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं सात नंबर प्रश्न और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई है। चलिए यहाँ पे देखते हैं तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक, नुसरत शाह तुगलक, महमूद तुगलक या ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यानी सात का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी महमूद तुगलक था जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। और आपको बता दें 1412 ईस्वी में इसका यानी मृत्यु हो गया यानी निर्धन हो गया, ये यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं आठ और दिया गया है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको बता दें ए होगा, यानी प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं
और यहाँ पे नौ दिए गए। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? केरल में है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा। तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 10। भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? पंचायती राज के बारे में पूछा जा रहा है, 1957 में, 1952 या 1959 या 1951 ईस्वी में। तो 10 का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 1959 ईस्वी में आपका हुआ था पंचायती राज का आरंभ भारत में। 11 नंबर सवाल देखते हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1959 में, या 2 अक्टूबर 1961 में, या 2 अक्टूबर 1977 ईस्वी में। 11 का राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी ए होगा, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, और प्रश्न संख्या हम लोग 12 देखते हैं। दिया गया है कि सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में, नई दिल्ली, कोलंबो में, या काठमांडू में। तो 12 का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोलंबो में 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था। किसका? तो सार्क का। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 13। दिया गया है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, लखनऊ में है, नागपुर में है, या रुड़की में है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो रुड़की में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या हम लोग 14 देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी महाद्वीप है उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, या यूरोप। तो इसका राइट आंसर आपको बतलाने हैं, तो 14 का राइट आंसर होगा क्या? सी, यानी एशिया जो है क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर प्रश्न संख्या, और दिया गया है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है? यहाँ पे आपको दिया गया है 12,700, 12,756, या 11,752, या 13,700। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी 12,756 है किलोमीटर में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। दिया गया है 16, और ये कि DCM यानी DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो यानी 16 का राइट आंसर होगा यानी फुटबॉल से है इसका राइट आंसर, यानी DCM ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते हैं 17। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैसूर में, राजकोट, हैदराबाद, या लखनऊ में। तो 17 का राइट आंसर होगा यानी सी, हैदराबाद में है जो चार मीनार स्थित है। यहाँ पे हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है यानी 564 वाट, या यानी 646 वाट, या 746 वाट, या 846 वाट। तो 18 का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यानी 746 यानी वाट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है 19 नंबर प्रश्न संख्या। दिया गया है कि आम का खाने योग्य भाग यानी जो आम का कौन सा भाग है हम लोग खाते हैं, इसका कहने का मतलब यह हुआ, तो बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंतः भित्ति, या भ्रूण पोष। तो कौन सा भाग खाते हैं आप आम के? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य भित्ति को हम लोग खाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 20। दिया गया है कि नागफनी की कांटे हैं रूपांतरित, तना की रूपांतरित, जर, पति, या पुष्प। तो इसका राइट आंसर होगा यानी पति, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पति।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 21 दिया गया है कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है, यानी जो रेगिस्तान है उसमें वन रोपण में बाधा क्या हो सकता है? कम वर्षा, वर्षा विहीन वृक्षों का रोपण, या चरने वाले जो पशु हैं वो बाधा है? कौन है जो बाधा है रेगिस्तान में वन रोपण के? तो 21 का राइट आंसर है यानी कम वर्षा। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में कम वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 22 नंबर प्रश्न संख्या देखते हैं। जल प्रदूषण का कारण है, जो जल प्रदूषण होता है उसका कारण क्या है? वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, बिल्कुल सही है। औद्योगिक अपशिष्ट इससे भी होता है, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए ये सभी कारण सही है, इन सभी से जल प्रदूषित होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा और यही सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग 23 नंबर प्रश्न संख्या देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तीन प्राथमिक रंग हैं, नीला, हरा और लाल, नीला, पीला और लाल, पीला, नारंगी और लाल, बैंगनी, पीला और नीला। तो इसका राइट आंसर यानी 23 का हो जाएगा आपका नीला, हरा और लाल, जो है वो तीन प्राथमिक रंग माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24 और दिया गया हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है, यानी हीरा बहुत कठोर होता है तो ग्रेफाइट कैसा होता है? मृदु, कठोर, बहुत कठोर, बहुत नरम, या इनमें से कोई नहीं। 24 का जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बहुत नरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग, यानी आज का लास्ट देखते हैं प्रश्न संख्या इस वीडियो का। सात पहाड़ियों का शहर जो है वो किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? रोम को, काठमांडू, बैंकॉक या न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा, यानी रोम को सात पहाड़ियों वाला शहर माना जाता है, कहा जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। कितना आपका सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।